सर प्रमोटर। सर शब्दों पे मत जाइए, शब्दों पे जाने के बाद बड़ा परेशानी होती है अकाउंट्स के अंदर। प्रमोटर का मतलब कौन होता है सर? मालिक। मालिक को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। और मालिक का मतलब ऑनर, यानी जो ऑनर होता है, मालिक होता है, वो प्रमोटर होता है। और मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस का कर्ता धर्ता। अगर मालिक नहीं है तो बिजनेस बनेगा क्या? बन ही नहीं सकता। इसका मतलब जो ये मालिक है, किसी भी बिजनेस को बनाने में, मान लेते हैं एक्स वाई और जेड लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी को बनाने में इसी का दिमाग खर्च हुआ, सब कुछ इसी ने किया इस कंपनी को बनाने में, ये प्रमोटर है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब कंपनी एक्ट 2013 कहता है, भाई मालिक और कंपनी अलग अलग है, दोनों क्या है? अलग अलग है। एक्स इधर रह गया, इधर ले आता है। दोनों क्या है? अलग अलग। यानी मालिक तू इस कंपनी के अंदर कितनी मेहनत करा है नहीं पता, लॉ के हिसाब से ये कंपनी एक अलग व्यक्ति हो गया और तू एक अलग व्यक्ति हो गया। तेरी इतनी ही औकात है कि तूने इसमें पैसे लगाए और इस कंपनी के अंदर मेहनत की है, और कोई औकात नहीं है। इसलिए तेरे को एक सुंदर सा नाम दे देते हैं, प्रमोटर। इसका नाम क्या आप दे दिया? प्रमोटर। भाई अब इसने मेहनत, इसकी मेहनत अगर मैं गिनवाऊं ना, इसने सबसे पहले आइडिया सोचा, आइडिया सोचा, आइडिया सोचने के बाद इसने क्या करा? कंसल्टेंसी ली, कंसल्टेंसी ली, और वहां पे इसने पेमेंट किया, 20,000 रुपए का पेमेंट किया कंसल्टेंसी लेने में। उसके बाद कंसल्टेंसी लेने के बाद इसको, कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है? सलाह लेना, जो आपके दोस्त फ्री में देते हैं, वो भी कंसल्टेंसी है। तो कंसल्टेंसी जो कि कितने का लिया? 20,000 में। और 20,000 का कंसल्टेंसी जब लिया इसने, अभी ये सोच रहा है मेरे कंपनी अभी बना नहीं है, उसके बाद इसने क्या करा? कंपनी के अंदर एमओए, एओए, बड़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन की, और इसने सब कुछ बहुत मेहनत करके, यहां भी इसने 30,000 रुपये खर्च कर दिए। और उसके बाद इसको इनाम क्या मिला? कंपनी अलग और तू अलग हो गया। यानी सर कंपनी ये सब करने के बाद, इतना काम करने के बाद कंपनी बनेगा नहीं, इतना काम करने के बाद कंपनी बनेगा नहीं। इसके ऊपर बैठा है आरओसी, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, और रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी सारी डॉक्यूमेंट को देखेगा, देखने के बाद बोलेगा यस फाइनल आपको हम दे देते हैं कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, COI, कमेंसमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं, आपकी कंपनी आज से पक्की हुई, अब अपने नाम के आगे आप लिमिटेड लगा लो और आपकी कंपनी बन गई है। और आज के बाद से मालिक तुम और कंपनी अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो गए। भाई कंपनी ये सारा काम करा इसने 20 जनवरी को, और कंपनी का परमिशन मिला 27 जनवरी को। इसका मतलब कंपनी बना किस दिन कोई बताएगा तो 27 जनवरी को, और कंपनी पे खर्चा कब कर दिया इसने? 20 जनवरी को। तो कंपनी बनने से पहले ही खर्च कर दिया, तो इसको बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्री का मतलब पहले, लिमिनरी मतलब छोटे मोटे खर्चे, तो ऐसे खर्चे जो कि कंपनी बनने से पहले हो जाए। तो कई बच्चों को समझ नहीं आता सर ऐसे कैसे हो सकता है, कंपनी बना नहीं तो खर्चा कहां से होगा? तो भाई कंपनी बनने से पहले जो खर्चा हो जाए उसको क्या बोलेंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किस, और यही प्रमोटर को भी दिया जाएगा। तो सर प्रमोटर को, अब प्रमोटर अलग है, मालिक अलग है, और बिजनेस अलग है, तो प्रमोटर बोलेगा मेरे डूब गए क्या ये 50,000? कंपनी बोलेगा नहीं, आपके ये पैसे डूबे नहीं, आपके दो ऑप्शन है, आपको हम कैश भी दे सकते हैं और शेयर्स भी देते हैं। तो कैश वाला फंडा तो सीख नहीं रहे, अब हम इसको क्या दे देंगे? शेयर दे देंगे।
तो पहले हम प्रमोटर का पैसा ड्यू करेंगे, यानी सर पहली एंट्री करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा है और किसको देना है, टू प्रमोटर, और इसको आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी कह सकते हो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा मैं, और इसे ना समझ में आए तो प्रमोटर एक्सपेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कह लो या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कह लो। सर कितने रुपए खर्च कर दिए इसने, तो ये पैसा हो गया ड्यू, ये पैसा हो गया ड्यू बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ड्यू। अगली एंट्री सर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म कहानी, खत्म कहानी। लो जी हो गया। किसी बच्चे को डाउट 5% कैसे आया, राजलक्ष्मी 5% कानून में लिखा हुआ होता है और मैंने लिखा भी था उसका 5% निकाला है, सवाल में गिवन होगा, अभी पिछले सवाल पे ही है। इस वाले स्लाइड पे बताओ डाउट, मैं पिछला सवाल करता जाऊंगा और पूछता जाऊंगा, या एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगी अभी। क्विक रिवीजन कर ले, तो पहले एक आध सवाल भी देख लेते हैं भाई बनकर, थोड़ा सा ना जो इसमें सवाल मैंने दिए नहीं थे होमवर्क में ना वो कर लीजिएगा प्लीज। देखिए यहाँ पे क्या कहता है इस सवाल में, कि कंपनी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है एक ऑफिस को, कॉस्टिंग इतने रुपए का खरीद लिया जैन बिल्डर से और पेमेंट कर दिया उसने 5400 रुपए, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 100 रुपए का एक, ऑल्सो डिटरमाइन नंबर ऑफ शेयर इफ इशू प्रीमियम पे। तो ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा ये भी। चलिए सर आप करिएगा एक बार ट्राई ना, डेफिनेटली होगा, मैं एक बार रिवाइज करा दूं क्योंकि मैंने कोई कसर अपनी तरफ से तो छोड़ा नहीं। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या सर, अदर देन कैश, अदर देन कैश, कैश क्या होता है, अदर देन कैश का मतलब होता है जब कभी भी हम शेयर्स या डिबेंचर इशू कर देते हैं किसी को भी, बदले में हम उससे एसेट्स खरीद लें, या बदले में उस कंपनी को ही खरीद लें, या अंडर राइटर कमीशन को पैसा देने के बदले शेयर दे दें, या फिर प्रमोटर को उसके खर्चे देने के बदले हम शेयर दे देते, तो उस टॉपिक को बोला जाता है अदर देन कैश। अदर देन कैश में पहला है, अगर हम किसी एसेट्स को खरीदते हैं तो बदले में जो हम उसको पेमेंट करेंगे वो होता है कंसिडरेशन, एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, और कई बार नंबर जो है ना फ्रैक्शन में भी आ सकता है। चलिए पहले केस को डिटेल में जानते हैं। व्हेन आपका सिंगल एसेट्स खरीदते हैं, सिंगल एसेट्स जब खरीदते हैं ना, जब एट पार तो सिंपल सी बात है, मेरे वाले एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि मैंने एक एसेट्स खरीदा है दैट इज 1,10,000 का, 10 रुपए का एक शेयर एट पार। तो पहले करेंगे मशीनरी टू वेंडर, सर वेंडर इज हु, वेंडर जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो वेंडर होगा, तो क्या हो गया मशीनरी टू वेंडर। अगली एंट्री वेंडर को इक्विटी शेयर दे दिया मैंने, बात खत्म। अगला पॉइंट मैंने प्रीमियम पे करा है, जब कभी भी आप प्रीमियम पे करोगे तो एक सवाल एक बात का हमेशा सदैव 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 ध्यान रखना है, क्या रखना है सर, कि जब कभी भी आप प्रीमियम पे इशू करोगे तो आपको क्या निकाल लेना चाहिए सर, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेना चाहिए। पहले नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स वैल्यू आफ्टर कैश डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। नंबर प्राइस निकालने के बाद अब सारी मल्टीप्लिकेशन इसी से होंगी, कि क्या इससे होंगी सर आपकी नंबर ऑफ शेयर्स जो भी मल्टीप्लाई होगा, इक्विटी शेयर भी और सिक्योरिटी प्रीमियम। पहली एंट्री हमने करा मशीनरी टू वेंडर, इसके बाद हमने करा वेंडर, वेंडर के बाद आप यहां पे ध्यान से देखोगे ना, वेंडर के बाद जब आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे लिखा हुआ इक्विटी शेयर, कैसे आया इक्विटी शेयर 10,000 जो नंबर निकला इंटू में 10। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आया सर, 10,000 इंटू में 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हो गया हमारा। दूसरा जब आपका किसमें आता है सर, जब आपका फ्रिक्शन में आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे सवाल बदल दिया, कितने शेयर इशू किए हुए हैं, सिर्फ 10,000, 1 लाख के एसेट्स खरीदे 10% प्रीमियम पे, नंबर निकालने गए सर यहाँ पे, तो क्या हुआ 1 लाख डिवाइडेड बाय 11 करते ही नंबर किसमें आ गया, फ्रिक्शन में आ गया सर।
नंबर जैसे ही फ्रैक्शन में आ गया तो टेंशन हो गई। क्या टेंशन हो गई कि पॉइंट में, पॉइंट वाले बाद के डिजिट को खत्म करना है हमेशा। पहली एंट्री तो समझ में आ गया ये होने वाला है, अगली एंट्री की अगर हम बात करें तो क्या होगा, वेंडर टू इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां तक बात ठीक है। लेकिन जो नंबर फ्रैक्शन में आया है, इस फ्रैक्शन को किससे लिख देंगे सर, इस फ्रैक्शन को हम कैश में लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत? पहला केस खत्म, किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, फर्स्ट केस खत्म। कैश डिफरेंस है इन सभी का डिफरेंस, हाँ डेबिट क्रेडिट का। अगले पॉइंट पे आते हैं सर, अगले पॉइंट में है कि अब मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया कि हम जब कभी भी एसेट्स को खरीदते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे इशू नहीं करते, बदले में कुछ कैश भी देते हैं। तो यहां पे मेरे सवाल के अंदर क्या था कि हमने एक एसेट्स खरीदा, एसेट्स खरीदने के साथ साथ मैंने क्या करा, उसको कैश भी दिया, उससे बिल्स पेबल भी दिया और उसको ड्राफ्ट भी दिया और 10% प्रीमियम पे बात बनी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे सर, एसेट्स का वैल्यू, उसमें से जो जो चीजें दे दिया उसको माइनस कर दोगे। यहाँ नंबर आ गया, मेरे सवाल के अंदर नंबर आ गया 10,000, तो वेंडर को ये दे दिया हमने और टू वेंडर में ये आ गया इक्विटी शेयर 10,000 से मल्टीप्लाई, कैश बैंक बीपी जितने का बीपी था और सिक्योरिटी प्रीमियम भी यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला पार्ट बनता है सर बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज करना बड़ा ही सिंपल है। देखो बिजनेस परचेज के अंदर क्या होता है कि हम सामने वाले बिजनेस को खरीद लेते हैं तो दो चीजों को नहीं खरीदा जाएगा, क्या, रिजर्व एंड सरप्लस और उसका कैपिटल नहीं खरीदा जाएगा, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में करा हुआ भी है। जब सामने वाले बिजनेस को सारे एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो इस बिजनेस की औकात की मैं बात करूं तो 10 लाख में से 5 लाख माइनस करोगे तो 5 लाख है। अगर उसे 6 लाख दे रहे हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट है, गुडविल के पैसे दे रहे हो। अगर उसे 4 लाख दे रहे हो तो उस कंपनी को आपने सस्ते में खरीद लिया, तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल रिजर्व, जो कि मैंने इन सारी एंट्री में आपको बताया हुआ है। अगली बात कर लेते हैं सर, अगली बात के अंदर मैनेजर अंडरराइटर कमीशन। अंडरराइटर कमीशन के अंदर ये ड्यू का है और ये पेड का है। अंडरराइटर कमीशन में क्या होता है सर, अंडरराइटर वो होता है जो हमारी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने के लिए ठेकेदारी लेता है, उसको हम बोलते हैं इतना देंगे, उसे क्या बोला जाता है, अंडरराइटर। और अंडरराइटर को हम क्या देते हैं, कमीशन। और ये 5% मैंने सेवी के रूल के अकॉर्डिंग बताया, डिबेंचर में 2.5 होता है और इसमें कितना होता है सर, 5। बाकी सवाल में ऑलवेज आपको कैलकुलेट करके मिलेगा, आप चिंता मत करिएगा। तो अंडरराइटर कौन होता है सर, अंडरराइटर वो व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करता है, बदले में उसे कमीशन देते हैं। और वो कमीशन जो दिया जाएगा वो कितना भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस में लॉ 5% से ज्यादा परमिट नहीं करता, डिबेंचर के केस में 2.5% से ज्यादा परमिट नहीं करेगा। एंट्री पे ध्यान दीजिए, पहली एंट्री अंडरराइटर टू अंडरराइटर, ये खर्चा है इसलिए डेबिट, ये लाइबिलिटी है देना है क्रेडिट। अंडरराइटर लाइबिलिटी को खत्म कर दिया, क्या दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल। और इस खर्चे को आप इस प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना चाहो तो भेजो, नहीं तो कई बार नहीं भी भेजा जाता। लास्ट प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है सर, प्रमोटर कंपनी का मालिक, और मालिक और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो प्रमोटर मालिक खर्चा कर देता है कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले, उसे बोला जाता है प्रमोटर या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। एंट्री प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर और प्रमोटर टू इक्विटी शेयर, ये पूरा का पूरा हमने क्या कवर किया, अदर देन कैश। किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए।